देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए दोहरी खुशखबरी है। एक और उन्हें इंटरनेट की सुविधा तो मिलने ही वाली है, साथ ही स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए 50% गेट रिजर्व होने वाले हैं। यात्रियों को जल्द ही मेट्रो में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। मेट्रो के अंदर वाईफाई सुविधा देने की योजना पर जल्द अमल किए जाने की संभावना है। अभी तक दिल्ली मेट्रो के कश्मीरी गेट और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा मिलती है। अब जल्द ही मेट्रो के अंदर भी ये सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए विभाग ने MOU साइन किया है। साल के अंत तक ये सुविधा यात्रियों को मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के अंदर इंटरनेट की सुविधा के लिए खास एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा, जिससे नजदीकी लोकेशन की भी जानकारी मिलेगी। साथ ही मेट्रो के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दिल्ली मेट्रो ने अपने 50% एग्जिट गेटों में कार्ड सिस्टम अख्तियार करने का फैसला किया है। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक अभी पूरे NCR में 70% के लगभग पैसेंजर्स स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सहूलियत देने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। इस निर्णय के बाद एक और जहां मेट्रो में रोजाना सफर करने वाले पैसेंजरों को कार्ड के द्वारा एंट्री करने में सहूलियत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ समय और टोकन के झंझट से भी बचा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक सभी मेट्रो स्टेशनों में एंट्री और एग्जिट करने के लिए कई तरह के सिस्टम वाले गेट मौजूद हैं। इनमें से 500 एग्जिट गेटों को खासतौर पर स्मार्ट कार्ड वालों के लिए बदला जा रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।